है उससे पहले काशी की बदलती तस्वीर दिखाते हैं। पीएम मोदी आज अपने क्षेत्र संसदीय क्षेत्र काशी जा रहे हैं, जहां वो 2500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो यहां 2 हाईवे का उद्घाटन करेंगे, साथ ही वो गंगा में शिपिंग कार्गो को रिसीव करेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, देखते हैं कि कैसे काशी की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री जिस ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे, हम उसके पास खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इस ओवरब्रिज का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रामनगर जाएंगे। वहां पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो कहां पे, वही वहां नहीं है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रामनगर जाएंगे। वहां पर एक बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद फिर से बाबतपुर आएंगे और इस ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पास में वाजिदपुर गांव है, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से इस ओवरब्रिज के बन जाने के बाद बनारस के लोगों का आवागमन बेहद आसान हो जाएगा, खासतौर पर एयरपोर्ट के लिए और जौनपुर से लखनऊ जाने के रास्ते के लिए। आपको हम ये बताते चलें कि कल के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा नितिन गडकरी भी शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा दूसरे बहुत सारे प्रमुख नेता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना, महेंद्र नाथ पांडे महत्वपूर्ण है। इसके जरिए एक और बात करने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे कि आसपास की जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसको भी साधने की कोशिश करेंगे और यहां से एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अगर एक बार फिर से उनकी सरकार आती है तो एक बार फिर से विकास की नदी देश में बनारस में बहेगी। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिंग रोड, बाईपास और एसपीटी का उद्घाटन करने के बाद वाजिदपुर में एक सभा करेंगे। आप देख रहे हैं कि सभा की तैयारियां जोरों पे हैं। एसपीजी ने इस पूरी जगह को अपने पोजीशन में ले लिया है और बाकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों के बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। उसके अलावा जो वीवीआईपी हैं वो आगे बैठेंगे, उसके अलावा आम जो लोग हैं वो पीछे बैठेंगे। तकरीबन 35 से 40 हजार लोगों के आने की बात कही जा रही है, लेकिन भीड़ जितनी हो जाए उतनी अच्छी बात है। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि प्रधानमंत्री अपने 15वें दौरे पे बहुत सारी सौगात बनारस को देके जाएंगे। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश।